Hello and welcome to the BSc Part 3 students. First year के chemistry के paper 3 के radioactivity chapter के बारे में आज अपन पढ़ेंगे. BSc Part 1 के बच्चों के लिए ये radioactivity chapter है. इसमें मैं आपको आज रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा. रेडियो एक्टिविटी वास्तव में भारी तत्वों का गुण है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम. ये अस्थायी होते हैं और लगातार अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं जब तक कि ये स्थायी तत्वों में नहीं बदल जाते. वो अस्थायी तत्व जो लगातार अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और इस गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. अतः भारी तत्वों का जो नाभिक होता है वो लगातार अविरल गति से विघटित होता है और अल्फा बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं. ये किरणें रेडियोएक्टिव किरणें कहलाती हैं. अतः रेडियोएक्टिविता की परिभाषा क्या हुई कि वह परक्रम जिसमें भारी नाभिक लगातार विघटित होकर अल्फा बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियोएक्टिविता कहलाती है. इसको अन्य प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें अविरल गति से तत्वों का विघटन होता है और कुछ विशेष प्रकार के रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं. ये जो रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं वो अल्फा बीटा और गामा होते हैं, अस्थायी होते हैं. इनको आयनित करने वाले रेडिएशन भी कहते हैं. डिपेंड करता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि नाभिक किस तरह से उत्सर्जित करता है एनर्जी को. कई बार ये उच्च ऊर्जा में जाकर वापस निम्न ऊर्जा में आकर विकिरण उत्सर्जित करता है और कभी एकदम दूसरे नाभिक में भी परिवर्तित होता है. आयनीकरण क्या होता है कि जब भी किसी गैस के अणु के ऊपर रेडियोएक्टिव विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके उसको धनावेशित आयन में बदल देता है. यह आयनीकरण की क्रिया होती है. जैसे अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है, अतः वो आयन धनायन में परिवर्तित हो जाता है. इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं. ये उच्च ऊर्जा के कण होते हैं अल्फा बीटा गामा कण. ये किसी पदार्थ से इंटरेक्ट करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं. ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं, हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं. रेडियोएक्टिविता दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता, एक कृत्रिम रेडियोएक्टिविता. प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता प्रकृति में कुछ रेडियोएक्टिव भारी तत्वों द्वारा अविरल गति से अपने नाभिक के टूटने के कारण होती है, जबकि कृत्रिम रेडियोएक्टिविता में हम स्थायी नाभिक को अस्थायी नाभिक में परिवर्तित करते हैं. इस तरह से रेडियोएक्टिविता इस प्रकार ये जो रेडियोएक्टिविता है वो इस प्रकार ये प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता में अस्थायी नाभिक लगातार विघटित होता है और रेडियोएक्टिव कणों का उत्सर्जन करता है. जैसे यूरेनियम ने देखो अल्फा कण विसर्जित करके थोरियम बदला, ये थोरियम ने बीटा कण उत्सर्जित किया, ये रेडियम ने थोरियम में कन्वर्ट हुआ और अल्फा कण का उत्सर्जन किया. आपको बता दूं कि सभी भारी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 लेड 82 कहते हैं से अधिक होता है रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित करता है, अर्थात रेडियो एक्टिवता शो करते हैं जो कणों का उत्सर्जन करने के बाद पश्चात अपेक्षाकृत हल्के तत्वों में
परिवर्तित होते हैं, भारी नाभिक अस्थायी होते हैं और लगातार विघटित होकर स्थायी हल्के नाभिकों में बदलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं रेडियोएक्टिविता किन बातों पर निर्भर करती है कि रेडियोएक्टिविता ताप, दाब, उत्प्रेरक, पदार्थ की भौतिक अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ परमाणुक अवस्था में है या यौगिकों के रूप में है, इस किसी पर भी रेडियोएक्टिविता अर्थात इसमें से अल्फा, बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जन करने की जो दर है वो निर्भर नहीं करती। एक और बात बता दें कि नाभिक के चारों तरफ जो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं वो भी रेडियोएक्टिविता को प्रभावित नहीं करते। अब आती है कृत्रिम रेडियोएक्टिविता। यह स्थायी नाभिकों का गुण है। स्थायी नाभिक अपने आप रेडियोएक्टिविता शो नहीं करते, इनके ऊपर अगर हल्के कणों जैसे अल्फा, बीटा, गामा विकिरण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बमबारी कराई जाती है तो इनको बमबारी के द्वारा इनको जबरदस्ती तोड़कर इसमें रेडियोएक्टिविता उत्पन्न की जाती है, इसको कृत्रिम रेडियोएक्टिविता कहते हैं। एग्जांपल दिया, जैसे आप देखिए जैसे एल्युमिनियम स्थायी तत्व है 1327, इससे अल्फा कण की बौछार करा के एक न्यूट्रॉन बाहर निकल देना नाभिक में से। अब ये फॉस्फोरस के समस्थानिक 15-30 में बदला, ये फॉस्फोरस का समस्थानिक है, ये कृत्रिम रेडियोएक्टिविता कहलाती है। यह अस्थायी है, समस्थानिक है, ये भी आगे जाके विघटित होगा और स्थायी तत्व बदलेगा। जैसे बोरोन 5-10 था, इस अल्फा कण की बौछार कराई, नाइट्रोजन का समस्थानिक बदला, यह अस्थायी है। अब सेकंड स्टेप में देखो नाइट्रोजन 7-14, ये स्वतः विघटित होकर कार्बन का समस्थानिक 6-14 बना। कार्बन का स्थायी जो समस्थानिक है वो 6-12 होता है। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता और कृत्रिम रेडियोएक्टिविता में अंतर जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता सतत होती है, अबाध गति से चलती रहती है, भारी नाभिकों का गुण है, भारी नाभिक लगातार विकृत होते हैं और स्थायी नाभिकों को बदलते हैं, इस प्रक्रिया में अल्फा, बीटा, गामा विकिरण उत्सर्जित होते हैं। कृत्रिम रेडियोएक्टिविता एक तो सतत नहीं है, इनके नाभिकों के ऊपर भारी कणों की बमबारी, हल्के कणों की बमबारी करा के इनके कराया जाता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों का इनके ऊपर बौछार कराई जाती है। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविता अनकंट्रोल अथवा इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता, इसको स्लो डाउन नहीं किया सकता, इसको तीव्र नहीं कर सकते, जबकि कृत्रिम रेडियोएक्टिविता को बमबार किए जाने वाले पार्टिकल्स को कंट्रोल करके इस रेडियोएक्टिविता को नियंत्रित किया जा सकता है। यह भारी तत्वों द्वारा प्रदर्शित होती है नेचुरल रेडियोएक्टिविता, जबकि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविता हल्के तत्वों द्वारा प्रदर्शित किया जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है रेडियोएक्टिविता का मापन। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट अपने कोर्स में, गाइगर-मोलर काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये गाइगर-मोलर काउंटर का डायग्राम है, इसमें आप गौर से देखो ये चैम्बर है, गैस चैम्बर होता है, इसमें कोई गैस भरी होती है, एथेनॉल भी भर सकते हैं, और इधर से इस साइड से विकिरण अल्फा, बीटा या गामा विकिरण इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पर्दा लगा हुआ होता है अभ्रक का, वहां से प्रवेश करते हैं। यह अल्फा, बीटा, गामा विकिरण इसमें जाकर इन गैसों गैसीय कणों को आयनित करता है, इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। जैसे गैस आयनित होती है वो कैथोड की तरफ मूव करती है, अर्थात करंट बहता है, और ये करंट की तीव्रता को एक मीटर इसको मापता है, ये सेंसर है जो मापता है। जितनी ज्यादा गैस आयनित होगी उतनी यहाँ डिजिट ज्यादा आएगी, अर्थात इस डिजिट के समानुपाती ही विकिरण की तीव्रता होती है। इस विकिरण की तीव्रता से गैसों की तीव्रता को, विकिरण की तीव्रता से धारा की तीव्रता और उसी समानुपाती इसमें रिकॉर्डर के अंदर हम डिजिट को मापा जाता है। रेडियोएक्टिव विकिरण तीन तरह की किरणें होती है, अल्फा, बीटा और गामा हम जानते हैं। अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं कि हीलियम के नाभिक होते हैं, इसका इस पर आवेश +2 और इसका द्रव्यमान 4 होता है। अल्फा पार्टिकल डिके होता है, क्या क्या होता है इसका, अल्फा पार्टिकल की विशेषता होती है कि हाई उच्च आयोनाइजिंग क्षमता होती है, इसकी भेदन क्षमता कम होती है और ये स्किन और पर अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन का असर
होता है। एग्जाम्पल दिया, जैसे पोलोनियम 82 215 है, ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन किया, उत्सर्जन किया देखो अल्फा पार्टिकल 24 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन किया, हीलियम के नाभिक का उत्सर्जन किया, तो ये 84 82 में बदल गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो जोड़ है वो राइट हैंड साइड के जोड़ के बराबर होना चाहिए 84। यहाँ 215 है और ये 4 है, तो निश्चित रूप से ये 211 हुआ। अल्फा पार्टिकल की इक्वेशन कैसे हुई, जैसे ये कोई तत्व है हैवी नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या ए है, इसने अल्फा का पार्टिकल छोड़ा 24, अल्फा पार्टिकल छोड़ते इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हुई। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, रेडियम 88 226 ने अल्फा पार्टिकल छोड़ा और रेडॉन 86 222 में बदल गया। अल्फा पार्टिकल डीपीके के एग्जाम्पल इस तरह से आते हैं, जैसे एक्स वाई में बदला और अल्फा पार्टिकल छोड़ा, वही उसी पहले वाले की बात को, इस पुरानी बात को एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा। ये रेडॉन एक नए तत्व में बदला और अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई 86, 84 होते ही समझ में आ गया कि ये पोलोनियम है और 222 से 218 हो गए, इसका अर्थ ये पोलोनियम का समस्थानिक है। एक और यूरेनियम थोरियम में बदला, अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ, थोरियम रेडियम में बदला, ये भी अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ, पोलोनियम लेड में बदला, ये भी अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ। अल्फा पार्टिकल समझने के बाद अपन बीटा डीके के ऊपर आते हैं। बीटा पार्टिकल डीके में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। बेसिकली बीटा पार्टिकल होते क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो न्यूट्रॉन तो कम होता है, प्रोटॉन बढ़ता है। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उसी को बीटा पार्टिकल कहते हैं। इसको एक अच्छी तरह से समझा देता हूं। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है और उसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है तो तय बात है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलता है, प्रोटॉन की संख्या वो एक से बढ़ती है, इसलिए इसके परमाणु क्रमांक में एक से वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होने से वो की वही रहती है। बीटा पार्टिकल डिके होना है, होना कई तरीके से समझा सकते हैं, ये एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। पोलोनियम 84 218 ने एक बीटा पार्टिकल त्यागा, ये माइनस वन हुआ, माइनस वन होने से इसका परमाणु क्रमांक एक से बढ़ के, देखो परमाणु क्रमांक से बढ़ाओ द्रव्यमान संख्या 218 के दो समभारिक उत्पन्न होते हैं। बीटा पार्टिकल के डिके से परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, आइसोबार कहते हैं इसको इंग्लिश में। एक और एग्जाम्पल, पोलोनियम रेडॉन में बदला, बीटा पार्टिकल डिके हुआ। एक और एग्जाम्पल, थोरियम प्रोटेक्टेनियम में बदला, ये भी एक बीटा पार्टिकल का डीके है। एक और एग्जाम्पल, टेलोरियम लेड में बदला, ये भी एक बीटा पार्टिकल, कई सारे बीटा पार्टिकल डीके के एग्जाम्पल आपको बताए। अब मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने पढ़े तीन तरह के विकिरण, अल्फा बीटा और गामा, में नेचर में क्या अंतर होता है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है और गामा ये कोई कण नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चार्ज अल्फा पार्टिकल पे +2, बीटा पे -1 और गामा विकिरण रहित होता है। द्रव्यमान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ऊपर लॉस, और गामा तो द्रव्यमान रहित होता है। स्पीड ये बहुत भारी होने से इसकी सबसे स्लो होती है, ये कम स्पीड हाइएस्ट सनलाइट की स्पीड से चलता है, गामा कर्णी रेडिएशन है। आयनीकरण का प्रभाव सबसे ज्यादा अल्फा पे होता है, इसका +2 चार्ज होता है, बीटा पे थोड़ा कम और गामा पे बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा डेंजरस कब होता है कि वेन सोर्स इज इनसाइड द बॉडी, अगर एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर है और गामा विकिरण उत्सर्जित कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बीटा विकिरण इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, बाहर भी नुकसान करता है, और गामा विकिरण हमारे पूरी बॉडी को भी भेज सकते हैं, ये भी उत्सर्जन करता है। कितने सरल एग्जाम्पल से बताया इसको, अल्फा पार्टिकल देखो बाहर से कम इफेक्ट करता है, बीटा पार्टिकल हमारे शरीर को आधा विभाजित करता है, और गामा रेज आप देखो गौर से, ये इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ये हमारे पूरे बॉडी को आर पार निकल सकती है। इस प्रकार हमने आज अल्फा बीटा और गामा विकिरणों के बारे में पढ़ा। ये रेडियोएक्टिव नाभिकों के का गुण होता है, रेडियो एक्टिव नाभिक जब विघटित होते हैं तो ये कण अल्फा बीटा और गामा उत्सर्जित होते हैं। अल्फा पार्टिकल धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन होते हैं।